को हम किसी ना किसी रूप में पसंद करते हैं। इसी वजह से टोंड, डबल टोंड और स्किम्ड दूध को आवश्यक पोषक तत्वों से फोर्टिफाई करने का काम कई डेयरियों द्वारा किया जा रहा है। दूध में सफल फोर्टिफिकेशन कब और कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी लेने के लिए आइए चलते हैं डेयरी प्लांट में। फोर्टिफिकेशन का पहला कदम है प्रीमिक्स को 40 डिग्री से 45 डिग्री के बीच गर्म करना। गर्म करते समय इसे बीच बीच में हिलाते रहें। 50 मीट्रिक टन के लिए प्रीमिक्स की मात्रा 1 किलो निर्धारित की गई है। इस तरह फोर्टिफाई किए गए हर 1 लीटर दूध में विटामिन ए की मात्रा 2000 आयु और विटामिन डी की मात्रा 400 आयु होती है। अब गर्म किए गए प्रीमिक्स को दूध की कुछ मात्रा में मिलाकर प्रीब्लेंड बनाएं। प्रीब्लेंड में प्रीमिक्स और दूध 1:50 से 1:100 के बीच होना चाहिए। फोर्टिफिकेशन का सही समय है पाश्चुकरण से ठीक पहले। अच्छी तरह से मिक्स कर बनाए गए प्रीब्लेंड को दूध में मिलाएं। प्रीब्लेंड के भली भांति दूध में मिल जाने के बाद पाश्चुकरण की प्रक्रिया शुरू करें। इस फोर्टिफाइड दूध को 4 डिग्री पर ठंडा किया जाता है। अब फोर्टिफिकेशन की जांच के लिए दूध को अच्छी तरह से मिलाकर 200 ml सैंपल लें। सैंपल कागज या एल्यूमिनियम फॉइल से चारों ओर से ढके बीकर या चौड़े मुंह की कांच की बोतल में लें। पैकेजिंग से पहले फोर्टिफाइड दूध में विटामिन की उपलब्धता की जांच के लिए ब्लू कलर टेस्ट किया जाता है, जिसके लिए 30 ml दूध को 50 ml की सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में लें। इसमें 10 ml 2 प्रोपेनॉल डालकर इसे हाथ से या वर्टेक्स मशीन में 1 मिनट अच्छी तरह से हिलाएं। अब इसमें 10 ml एन हेप्टेन और थोड़ा सा सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड मिलाकर इसे हाथ से या वर्टेक्स मशीन में 1 मिनट हिलाएं। इसे अब 3000 RPM पर 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करें। सेंट्रीफ्यूज के बाद ऊपर इकट्ठे हुए पीले रंग की ऑर्गेनिक परत को पाश्चर पिपेट की सहायता से नई टेस्ट ट्यूब में डालें। इसमें से 2 ml ऑर्गेनिक भाग को नई टेस्ट ट्यूब में लें और 0.5 ग्राम फ्लोरोसिल मिला दें। अब 3 ml ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड को टेस्ट ट्यूब में डालें। इसके डालते ही टेस्ट ट्यूब में नीला रंग आ जाएगा, जो दूध में विटामिन ए की उपलब्धता का प्रमाण है। फोर्टिफाइड दूध में विटामिन की वास्तविक मात्रा को जानने के लिए 500 ml के सैंपल को NABL अधिकृत प्रयोगशाला में भेजें। इन सारी बातों का ख्याल रखकर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि विटामिन ए और विटामिन डी युक्त फोर्टिफाइड दूध न सिर्फ हमें बीमारियों से बचाएगा, बल्कि ये हमारी हड्डियों को भी रखेगा मजबूत।